मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। सोमवार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा का ऐसा नंगा नाच खेला गया कि चारों तरफ दहशत पसर गई। एक के बाद एक दिल्ली के कई इलाके हिंसा की चपेट में आने लगे। कहीं गाड़ियों में आग लगा दी गई तो कई मकानों में भी आगजनी। भजनपुरा में तो पेट्रोल पंप को ही आग के हवाले कर दिया गया। इस हिंसा की शुरुआत मौजपुर से हुई, जहां CAA समर्थक और CAA विरोधी लोग आमने सामने आ गए। इसी बीच भीड़ में से कुछ लोगों ने सेठ भगवान दास स्कूल के सामने गद्दों की दुकानों में आग लगा दी। इसके बाद तो दोनों तरफ से ऐसी हिंसा भड़की कि पुलिस के भी हाथ पांव फूलने लगे। CAA के समर्थक और विरोधियों में जोरदार पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर खून सूखने लगा। भीड़ में से एक शख्स पिस्तौल लहराते हुए बाहर की ओर निकला और उसने बिना सोचे समझे दूसरी तरफ खड़े लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस युवक का नाम मोहम्मद शाहरुख है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला लाठी लिए बेखौफ उस उपद्रवी के सामने खड़ा हो गया। उपद्रवी के हाथ में पिस्तौल थी तो पुलिस वाले के हाथ में लाठी। एक लाठी और पिस्तौल में कितना फर्क होता है ये तो आप जानते ही, लेकिन कहते हैं कि जंग हौसलों से जीती जाती है, ना कि पिस्तौल और लाठी लिए। उपद्रवी के घिनौने मंसूबे के आगे पुलिस वाले की लाठी ही काफी थी। दरअसल हुआ ये कि मौजपुर में गद्दे की दुकान में आग लगा देने के बाद उपद्रवियों की भीड़ जाफराबाद होते हुए गोंडा चौक की तरफ बढ़ने लगी। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि देश की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि किसी युद्ध प्रभावित देश की तस्वीर है। पुलिस लगातार उपद्रवियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। तभी मोहम्मद शाहरुख हाथ में पिस्तौल लिए निकल आया। ये घटना सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे की। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से शाहरुख 8 राउंड फायरिंग करता है और आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। भीड़ से अलग ये शख्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। पिस्तौल देख सामने खड़े लोग पीछे हटने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला उसका रास्ता रोक लेता है, बिना इस खौफ के कि ये शख्स उस पर भी गोली चला सकता है। बिना ये सोचे कि ऐसे ही किसी उपद्रवी ने उसके एक साथी रतनलाल की जान ले ली, वो बिना डरे बिना घबराए उसके आगे खड़ा हो जाता है। शाहरुख उसे हटने की धमकी देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं हटता। हालांकि बाद में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब चारों तरफ इस बहादुर पुलिस वाले की खूब तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि सोमवार से ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त हिंसा का माहौल है। दिल्ली के सीलमपुर, मौजपुर, जाफराबाद, करावल नगर, गोकुलपुरी और यमुना विहार जैसे इलाकों में खूब पत्थरबाजी हुई। हंगामा करने वालों पर काबू पाने के लिए पुलिस को आंसू गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा।